तो यार वैसे तो हम लोगों ने बेंटेन के डिफरेंट डिफरेंट रियलिटी में बेंटेन के कई बार डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेट वर्जन तो देखे हैं, लेकिन आज की वीडियो इससे थोड़ा सा हटकर है, जहां पर हम बात करेंगे बेंटेन के टॉप 10 क्लोन्स की, जो दिखते तो हुबहू बेंटेन की तरह हैं पर असल में वो बेंटेन नहीं है। तो कौन है वो बेंटेन की 10 मास्टर कॉपीज, चलो उनका पता लगाते हैं आज हम इस वीडियो में, और पता लगाते हैं इस बात का भी कि आखिरकार कैसे ये बेंटेन के क्लोन बने और कैसे इनका आमना सामना बेंटेन से हुआ। हेलो, मैं सबकी शाम बिगाड़ना नहीं चाहता, पर सबको मजा तो आ रहा है ना? और हमारा ये हैंडसम दोस्त कौन है? बेन टेनिसन तुम? तो यार अगर बात क्लोन्स की जाए तो इस लिस्ट में जो हमारा पहला क्लोन है वो है ये, इसका नाम है एल्बिडो, और ये क्लोन बेंटेन का हुबहू बेंटेन की मास्टर कॉपी है, जो दिखता बिल्कुल बेंटेन की तरह है। और इसकी खास बात यह है कि इसके पास भी ओमनीट्रिक्स है, और इसके इस रूप में दिखने का कारण भी ओमनीट्रिक्स ही है, जो एल्बिडो ने हुबहू ओमनीट्रिक्स की कॉपी बनाई, और ओमनीट्रिक्स के कॉपी बनते ही ये बेंटेन के डीएनए से कनेक्ट हो गया और एल्बिडो बेंटेन के रूप में आकर फंस गया। और अब एल्बिडो का एक ही मकसद है कि इस रूप से वो आखिरकार बाहर कैसे निकले। पर मैं एक पसीने भरे चिपचिपे भूखे बालों भरे बदबूदार टीनेज इंसान की बॉडी में फंसा हूँ। और इसके बाद जो हमारा दूसरा क्लोन आता है वो है ये, एक नाइजीलियन टेक्नोलॉजी का बॉक्स, जो बाय द मिस्टेक अर्थ पर गिर गया था, और इसके बाद इसने पहली बार जो क्लोन बनाया वो था बेंटेन का ही क्लोन, और इसने बेंटेन की लंका तक लगा दी थी, क्योंकि ये जिनको देख रहा था उनके क्लोन्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा था और उनकी हैबिट्स को कॉपी कर रहा था, और इससे ये बॉक्स शहर में लगातार दवाई मचाते जा रहा था। पर इसमें खास बात ये है कि एपिसोड के एंड में पता चलता है कि जस्ट ये एक नाइजीरियन खिलौना है, जिसके बाद बेंटेन के मुँह से ये निकलता है, जल्दी भागो। और इसके बाद इस लिस्ट में जो तीसरा क्लोन है वो है ये, जिसे एक बड़ा प्लांट कंट्रोल कर रहा था, और इसने बेंटेन की कॉपी बनाई, यहाँ तक कि इस प्लांट ने बेंटेन की एक ऐसी कॉपी बनाई जिसका डीएनए तक बेंटेन का सेम था, और ओमनीट्रिक्स तक उसको नहीं पहचान पाया, और उस प्लांट ने उसकी मदद से बेंटेन की अल्टीमेट्रिक्स तक चुरा ली थी। मैं तो अब तक ये सोच रहा हूँ कि उसने अल्टीमेट्रिक्स लिया ही कैसे। और फिर इसके बाद वो बेंटेनिसन बनकर पूरे शहर में घूम रहा था और लगातार शहर में तहलका मचा रहा था, और यकीन मानो ये वन ऑफ दी बेंटेन का मोस्ट मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग एपिसोड था। और जिसने ये एपिसोड नहीं देखा मैं बता दूं, इस एपिसोड का नाम था दी बिग स्टोरी, अगर मौका मिले तो जरूर देखना। जी मास्टर, हुक्म मंजूर है। इसके बाद जो हमारा अगला क्लोन है जिसे बेंटेन ने खुद ही बनाया था वो है ये, और यहाँ पर हमें एक नहीं बल्कि दो दो क्लोन बेंटेन के देखने को मिले थे, और जो क्लोन थे उसे बेंटेन ने एको वैको की मदद से बनाया था, जहाँ बेन एको वैको में ट्रांसफॉर्म होकर वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होता है, और वो अपने दो एक्स्ट्रा क्लोन बना लेता है ताकि वो दो एक्स्ट्रा काम कर सके। और इन क्लोन्स की खास बात ये थी कि ये क्लोन्स भी अपनी अलग थिंकिंग रखते थे, और एक स्मार्ट था तो एक बहुत ज्यादा शरीफ था, इतना ज्यादा कि कुछ ज्यादा ही शरीफ। मगर यहाँ साफ लिखा है कि चीजों को छूना मना है। लिखा है? तुम ये कब से पढ़ने लगे बेन? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रहे हो? और फिर इसके बाद जो हमारे लिस्ट में पांचवा क्लोन है वो है ये, जिसे योन लेके आता है, जिसे योन फ्यूचर से लेके आता है। अब ये बेंटेन के क्लोन्स थे या फिर बेंटेन के अल्टरनेट वर्जन, ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं मिल पाता है कि आखिरकार योन ने इन क्लोन्स को कहाँ से लेकर आया था। वैसे अगर इन सभी क्लोन्स के पास इनकी खुद की ओमनीट्रिक्स होती और उसके साथ अगर ये बेंटेन से लड़ रहे होते तो ज़्यादा मज़ा आता, सिवाय इसके कि ये बेंटेन से तलवार से लड़ रहे थे तो इनको हारना तो था ही। तुम्हें हमारा राज पता चल गया।
तो फिर इसके बाद जो हमारे लिस्ट में अगला क्लोन आता है वो है ये, जिसे हमने बेंटन ओमनीवर्स में गोस्ट फ्रीक के प्लेनेट पर देखा था। और यहाँ पर ये सभी क्लोन्स मिरर के अंदर थे, पर अचानक ये सभी मिरर से बाहर आ जाते हैं और अपने ही रियल वर्जन से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर जो बेन का क्लोन था वो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लोन में से भी एक था, और खास बात ये थी कि ये भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। मुझे काट रहे हो, वो आईने है, तोड़ो उन्हें। और फिर इसके बाद जो हमारे लिस्ट में अगला क्लोन है वो है ये, जहाँ पर हमें बेंटन का एक नहीं बल्कि चार चार क्लोन देखने को मिला। और यहाँ पर बेंटन का हर वर्जन एग्जिस्ट करता था इस क्लोन में, और यहाँ पर ये सभी अंडरटाउन के मोस्ट अंडररेटेड विलन थे, जो बेंटन का मास्क पहनकर पहले बेंटन के क्लोन बनते थे और फिर उसके बाद कभी बैंक लूटते तो कभी किसी को किडनैप करते थे। और यहाँ पर इन क्लोन्स ने बेंटन का नाम ऊंचा कर दिया था पूरे शहर में। और इन क्लोन्स की जो खास बात थी वो थी ये कि ये कभी अपना जिम एक्सरसाइज नहीं छोड़ते थे और ग्रुप के सभी सदस्य फिटनेस पर पूरा ध्यान देते थे। तो जो जिम वाले बंदे हैं वो इस एपिसोड को जरूर देखना, जिसका नाम था ब्रेकडाउन। तुम भी हमारे साथ हो ब्रो, पूरी तरह ओके, समझ गया। और फिर इसके बाद जो हमारे लिस्ट में अगला क्लोन है वो है ये, जिसका नाम है लूसी, जिसे हम ग्वेन की कजन के रूप में जानते हैं। और इसकी मेन पावर सी है क्लोन्स में ट्रांसफॉर्म होना, और इसने बेन के क्लोन में ट्रांसफॉर्म होकर ग्वेन को अच्छा बेवकूफ बनाया था। और इसके अलावा लूसी बेन के एलियंस में भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अरे वाह लूसी, तुमने इसे अच्छा फंसाया। और फिर इसके बाद जो हमारे लिस्ट में नवा क्लोन है वो है ये बेंटन रिबूट से, जिसका नाम है ग्लिच, और ये अपग्रेड और बेन के डीएनए का कॉम्बिनेशन है जो ओमनीट्रिक्स के अंदर क्रिएट हुआ था। और बेंटन का ये क्लोन ओमनीट्रिक्स के अंदर एक डिफेंस का काम करता है और ओमनीट्रिक्स में आई गड़बड़ियों को ठीक करता है। इसके अलावा ये बेंटन के उलट बहुत ज्यादा समझदार है, जिसकी तारीफ तो विलगैक्स तक कर चुका है। ये अपग्रेड टेलीसन से बेहतर है। और इसके बाद जो हमारे लिस्ट का फाइनल और आखिरी क्लोन है वो है ये एक होलोग्राम बैन, जिसे खुद ह्यूमंस ने क्रिएट किया है बेंटन को देखकर। और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई थी इस बैन को बनाने में, पर दिक्कत की बात ये है कि ये वाला बैन भी बेंटन से ज्यादा स्मार्ट है। पर जो खास बात इसकी है वो बहुत बुरी बात भी है कि इसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा कम था। नकली इंसान, क्या मैंने बताया हम इन होलोग्राम्स को असली लोगों से बनाते हैं। तो ये थे वो बेंटन के टॉप 10 ऐसे क्लोन्स जो बेंटन में हमें अभी तक देखने को मिले हैं, जिनका रूप तो बिल्कुल हुबहू बेंटन से मैच खाता है, पर इनमें से किसी की भी सोच बेंटन से नहीं मिलती है। और यही चीज अपने बेंटनिसन को इन सबसे ज्यादा खास बनाती है। तो अब आप मुझे कमेंट में ये बताना कि इनमें से कौन सा वाला बेन आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सा वाला बैन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस मैं आपके कमेंट का इंतजार नीचे करूंगा। तो बस वीडियो यहाँ खत्म होती है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक ही मोटिवेट करते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बना भी पाता हूँ। और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने जैसे बेंटन फैंस के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तीसरा वाला बैन कहाँ है? मैं क्या उसका असिस्टेंट हूँ?